नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं स्वाति। लोकायुक्त पुलिस ने उमरिया जिले में रिश्वत लेते दो पुलिसकर्मियों के साथ एक दलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिसकर्मी मछली चोरी के प्रकरण को निपटाने के लिए रिश्वत मांगी थी। रिश्वतखोरी की शिकायत पीड़ित के द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा से कर दी गई। मामले की सत्यता की जांच कराने के बाद टीम गठित की गई और शिकायतकर्ता चंदन लोनी निवासी खालोद थाना इंदवार की शिकायत पर अमित पटेल उपनिरीक्षक और सोहन लाल सहायक उपनिरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। पुलिसकर्मी पुलिस चौकी अमरपुर थाना इंदौर में पदस्थ है, जबकि तीसरा आरोपी मोहम्मद सत्तार निवासी पुरानी पुलिस चौकी के पास अमरपुर का रहने वाला है, जिसके माध्यम से आरोपियों ने रिश्वत की मांग की थी। आपको बता दें कि रीवा लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जा रही कार्यवाही के बावजूद पुलिस विभाग में घूसखोरी के मामले में कमी नहीं आ रही है। पदभार ग्रहण करते ही कई निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक तक रंगे हाथ गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बार फिर रीवा लोकायुक्त पुलिस ने दो पुलिस अधिकारियों के साथ एक दलाल को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है, लेकिन जिस तरह से घूसखोरी चरम पर है, उसे देखकर लगता नहीं कि घूसखोरों पर कोई असर होगा और इस पर रोक लग पाएगी।